जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने छोटे छोटे कितने सारे बल्ब हैं। आज हम इस बल्ब को जलाएंगे किसके वजह से, इलेक्ट्रिसिटी से जलाएंगे, यानी बिजली से जलाएंगे डायरेक्ट। बट इम्पॉसिबल होता है जब भी हम बिजली से जलाएंगे, नहीं हो सकता, ये फूक सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से इसको जला सकते हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हो छोटा सा बल्ब, हमने इसको यहाँ दो सेल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको जला कर दिखा रहे जल गया, ठीक है। लेकिन आज हम इन्हीं बल्ब को जलाएंगे बिजली की मदद से, कैसे चले देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस डिवाइस की, एक डिवाइस की आपको बता दूं, ये डिवाइस है एसी डीसी कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो करंट हमारे घरों में आता है वो एसी करंट होता है, इसको बदल देता है डीसी में, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें हम लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट प्लग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लग हमने ऑन कर देते हैं, यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर किसी भी बल्ब को जलाऊंगा तो डायरेक्ट अगर इसमें ज़्यादा पावर आ रही है, 12 वोल्ट की सप्लाई कर रही है, और अगर किसी भी बल्ब को जलाऊंगा तो क्या उसे फूक सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, मान लो सपोज डेट मैं इस बल्ब को यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है, इसको इसको मैंने कनेक्ट कर दिया छोटा सा इसको, और अगर मैं इसमें लगाऊंगा, देखना आपको देखना है, फूक सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर की सप्लाई हो रही है। देखो ये हो गया, देखो फूक गया, हल्का सा जला, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, फूक गया, अब इसको जला नहीं सकता क्योंकि फूक गया। इसलिए मुझे इस छोटे से बल्ब को जलाने के लिए बिजली से सबसे पहले तो एसी को डीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा, और 12 वोल्ट को और भी कम करने के लिए मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस रेजिस्टेंस की। आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इस रेजिस्टेंस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम किसी भी बल्ब के एक पॉइंट पे लगा देते हैं, मान लो हमने इस छोटे से एक पॉइंट पे हमने लगा दिया किसी भी जगह पे, ठीक है, इसको हमने लगा दिया, ठीक है, बस ये हो गया। बस रेजिस्टेंस किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई वो नहीं है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं एक पॉइंट, इसका हम इससे कनेक्ट कर देते हैं वायर से, किसी भी वायर से कर देते हैं, देखो ये हो गया, हमने इस तरह कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हो हमने क्या किया, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बल्ब था, ठीक है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक तरफ वायर कनेक्ट कर दिया। अगर हम दूसरी वायर जैसे ही इस पर कनेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो जैसे ही दूसरी वायर इस पर कनेक्ट करेंगे जल जाएगा, देख सकते हो, ये फूकेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है। यानी कि हम छोटे से बल्ब को बिजली की वजह से जला सकते हैं, रेजिस्टेंस का, और एक हमारा यहाँ पे जो कन्वर्टर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है उससे जला सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा सर्किट जो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा प्रैक्टिकल, आपको समझ में आ चुका होगा, हमने आपको करके दिखा दिया। इस टाइम काफ़ी सारे बल्ब आप जो देख रहे हैं, हम सारे बल्ब को इससे जला सकते हैं, इसकी मदद से बिजली से जला सकते हैं, बस हमें इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह हम काफ़ी सारे नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने एक नई नई वीडियो कौन सी डाली है। तो देर मत कीजिएगा, अभी जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टाइम पर हम आपके लिए वैसी वीडियो लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।